Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सिर्फ ट्विटर ही चीज नहीं रह गई है, सिर्फ नंबर वन ट्रेंड होना ही नहीं रह गया है। जब ऐसा व्यक्ति अकेला पड़ जाए जो रात दिन सेवा करे लोगों की और लोगों के लिए ही जिए, अपना सब कुछ छोड़ के, अपना सब कुछ त्याग के, हम लोग उन्हें बोलते थे आ जाइए आप वापस, आ जाइए, ठीक नहीं है, रिस्की है, सही नहीं रहेगा, मगर उनका एक ही कहना था हमेशा कि बिहार के लोगों को मेरी ज़रूरत है और मैं बस वही कर रहा हूँ। अपने बारे में, अपनी जान के बारे में बिल्कुल ना सोचते हुए वो बस आप लोगों के लिए काम रात दिन करते रहे। हॉस्पिटल में छापा मारना हो तो पप्पू यादव जाएंगे, खाना देना हो तो पप्पू यादव देंगे, दवाई देना हो तो पप्पू यादव देंगे, बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए तो पप्पू यादव करेंगे। अभी हमारे बीच पप्पू यादव कौन बनेगा? कहाँ से लाएंगे हम दूसरा? हम उन्हें अकेला इस टाइम पे नहीं छोड़ सकते। मैं बेटा हूँ इसलिए ये सारी बातें कर रहा हूँ, नहीं, अगर मैं सिर्फ एक बेटे की तरह सोचता तो शायद मैं उनको ज़बरदस्ती बहुत पहले घर बुला चुका होता, पर मैं एक नागरिक की तरह सोचूं तो बहुत बुरा लग रहा है। जो आदमी रात दिन एक करके सिर्फ दूसरों के लिए जिए और उसके साथ ऐसा अन्याय हो, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है, ना हम लोगों को मंजूर करना चाहिए। मैं पहली बार आया हूँ आप सबके सामने और ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने वाली चीज़ नहीं है जो हुआ है मेरे पिता के साथ, कल से हुए जा रहा है और अभी भी हो रहा है। बाढ़ का पानी हो, बाढ़ के पानी में चलना हो, या इस महामारी के टाइम पे हॉस्पिटल जाना हो, या भीड़ में जाना हो, या मुर्दा घर जाना हो, तो सिर्फ पप्पू यादव ही जाएगा, और जेल जाना हो तो सिर्फ मेरे पिता पप्पू यादव ही जाएंगे। ऐसा क्यों, ऐसा मैं समझ नहीं रहा हूँ, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा होता क्यों है? हमेशा एक आदमी जब दूसरों के लिए जिए जा रहा है 24 घंटे, तो जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा अकेला कैसे पड़ जाता है? हमेशा हमेशा उसकी आंखों में आंसू रहते हैं हर एक काम करने के बाद। हम अकेले पड़ जाते हैं, उसका पूरा परिवार अकेले पड़ जाता है। हम क्यों अकेले रह जाते हैं जब वो व्यक्ति रात दिन बस दूसरों के लिए जीता है, तो दूसरे क्यों नहीं खड़े हो सकते उसके लिए? क्यों नहीं आवाज निकाल सकते? क्यों नहीं हम, अगर एक पप्पू यादव बिहार के लिए इतना कर सकता है, तो सोचिए 2 पप्पू यादव या 10 पप्पू यादव या 1,00,000 पप्पू यादव कितना करेंगे। मैं कहूंगा मेरे पिता का नाम सिर्फ एक नाम नहीं है, वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक जुनून है, जो वो जुनून हर एक के अंदर रहता है, मेरे अंदर भी है, मेरी बहन के अंदर भी है, मेरे भाई के अंदर भी है, और आप सब के अंदर है। वो सारा जुनून एक साथ अगर काम करे तो हमारा जो पहला पप्पू यादव है वो कभी अकेला नहीं पड़ेगा। मैं दिल से खुशगुजार हूँ आप सबका कि हम सब ने कल बहुत बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया मेरे पिता को, पर अभी रुकने की बारी नहीं है। उनको अभी तक हरास किया जा रहा है, जैसे कल रात से वो सोए नहीं हैं, खाए नहीं हैं, उनको दवाई खानी होती है, उनको शुगर है, उनका 1.25 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, राइट पैर की नसें उनकी वीक हैं, तो खून सर्कुलेशन नहीं होता है उनके राइट पैर में अच्छे से, और
किस जुर्म में ये सज़ा उनको दी जा रही है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। और जिनकी वजह से हो रहा है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कौन कौन है, और ये बिल्कुल ना समझें कि किसी को नहीं पता है कि किसकी वजह से हो रहा है ये और क्यों हो रहा है। यहाँ कोई बच्चा नहीं है और कोई डरा हुआ नहीं है। पप्पू यादव ना कभी किसी से डरा है ना कभी डरेगा। जब ये जुनून हर एक के अंदर है और हर एक बंदा, हर एक माँ, हर एक बेटी, हर एक भाई जब उसके पीछे खड़ा रहेगा और उसको पूरा विश्वास है कि हर एक बिहार का व्यक्ति उनके साथ है, वो कल साबित हुआ है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो सिर्फ कल पे ही सीमित नहीं होना चाहिए, ये मुहिम चलती रहनी चाहिए। यही मेरे पिता का सबसे बड़ी जीत है। उनको पद से कोई लेना देना नहीं है। उनकी सबसे बड़ी जीत ही इसमें है कि उनके साथ सारे सच्चे लोग खड़े रहें, पूरा बिहार खड़े रहे, बिहार खुश रहे। उनकी सबसे बड़ी जीत यही है। तो जब हम सब में ये जुनून है तो हम सब मिलके इस मुहिम को, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमने मुहिम छेड़ी है, जो ये भ्रष्टाचार मेरे पिता के खिलाफ हो रहा है, जिस जुर्म में जो कोई नहीं बता सकता, जो कोई बता ही नहीं सकता कि जुर्म है क्या, मैं चाहूँगा हम सब एक साथ मिलके इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम मेरे पिता ने छेड़ी है, लाखों की कदार में हम एक सब मिलके इसके खिलाफ आवाज उठाएं और मेरे पिता को जो जीत हमेशा देखी है उन्होंने बिहार के लिए, वो रास्ता, वो राह, वो पथ पे हम सबको चलते रहना है। इसी में उनकी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी जीत है। मैं बहुत खुश नसीब महसूस करता हूँ कि मैं अभी यहाँ बैठ के आपके सामने ये सब बोल पा रहा हूँ। ये मेरे पिता का संघर्ष ही है जो इतना प्रेम उन्हें मिलता है, और उनके नाम की वजह से मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो आप सबके बीच में मेरी आवाज़ जा पा रही है। उनके संघर्ष को हम सबको मिलके उसकी आग को उठा के ही रखना है, बुझने नहीं देना है। प्रणाम। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.